वहीं खबर रायपुर से है, जहां नक्सलियों के प्रेस नोट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार एग्रेसिव होकर बेहतरी के लिए काम कर रही है। नक्सली अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवेदनशील व्यक्ति है, उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है। वही बस्तर के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए काम कर रही है। मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि IAM को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग के लिए एजेंसी बनाया गया है। इसमें देश भर के विद्वान चर्चा करने के लिए आएंगे और सभी मंत्रियों को बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का। आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब अच्छे से तैयार होंगे। नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर लोगों के बेहतरी के लिए, बस्तर में अमन चैन को स्थापित करने के लिए, बस्तर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए काम कर रही है। और जब माओवादी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो चलता रहेगा वो बोलते रहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है और जो कुछ किया जा रहा है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए किया जा रहा है।